ये उन्नाव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों लड़कियों के शरीर में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राथमिक जांच में जहरीला पदार्थ मिला है। मामले के खुलासे के लिए एसओजी की 10 टीमों का गठन किया गया है। लड़कियों के परिजनों और ग्रामीणों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। लड़कियों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। प्राथमिक जांच में लड़कियों के शरीर से जहरीला पदार्थ बरामद किया गया है। लड़कियों के परिजनों और ग्रामीणों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़कियों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो उन्नाव से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दो लड़कियों के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई थी। इसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही थी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लड़कियों के शरीर से जहरीला पदार्थ मिला है। तो नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि आखिर यह जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्षेत्र के बबुरहा गांव में खेत से दो नाबालिग लड़कियों के संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा है। चारा लेने के लिए तीन नाबालिग लड़कियां खेत गई थीं। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं, जिसके बाद तीनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं तीसरी लड़की की हालत नाजुक है। उसका इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियों के शव को लेकर गांव में तनाव है। एहतियात के तौर पर गांव के अलावा जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस 6 टीमें बनाकर मामले की तफ्तीश कर रही है। धरने पर बैठे इलाके के गांव के लोग, इस बीच इलाके के लोग गांव में धरने पर बैठ गए हैं। गांव वालों की मांग है कि परिवार वालों को थाने में ना बैठाया जाए, परिवार को इंसाफ दिया जाए। लोगों का आरोप है कि परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार के लोगों के बयान में विरोधाभास है। इसीलिए पुलिस इस लिहाज से भी देख रही है कि क्या अलग अलग वक्त पर लोगों के पहुंचने की वजह से बयानों में चेंज है, या फिर परिवार वाले कहीं शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाकर ले गई, जिससे घटना के बारे में पता चल सके। उन्नाव के एसपी के मुताबिक मामले में जांच चल रही है। अभी एक लड़की की मां की ओर से बताया गया है कि उन लड़कियों के हाथ पांव नहीं बंधे थे, जबकि एक लड़की के चाचा ने कहा कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे थे। क्या मामला हुआ था? कितने टाइम घर से गई थी? अरे बच्चा, मेरी बिटिया 3 बजे गई रहा है, 3 बजे गई रहा खेत में बरसिंग काटे। किन के साथ गई थी काजल? कोमल रहा है, रोशनी रहा है, काजल मेरी बिटिया ही। क्या गांव में किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं बच्चा, हमसे किसी से लड़ाई नहीं है, गांव वाले से। देखिए, इनकी माँ है काजल की, और साफ तौर से इनका कहना है कोई दबाव नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, मगर जब डेली का एक रूटीन था, जब वो खेत में जाती थी और चारा लेके, मगर जब वो 3-4 घंटे नहीं आई कल, उसके बाद में ग्रामीणों द्वारा ढूंढा गया तो खेत में रोशनी और काजल और उसकी दूसरी जो बहन थी पड़ी हुई मिली। जिंदा बची लड़की को एयरलिफ्ट करने की मांग। जिंदा बची लड़की का बयान बेहद महत्वपूर्ण है, उसी के जरिए पता चल सकता है कि आखिर क्या हुआ था। बेहद गंभीर हालत में लड़की कानपुर में भर्ती है। सुबह से उसने एक बार सिर्फ आंख खोली है, कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। ये घास काटने के लिए गई थी
और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी समेत कई राजनीतिक दलों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही जिंदा बच्ची लड़की को दिल्ली एम्स में भर्ती करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है? उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। जिस तरीके से दो बेटियों की डेड बॉडी को उन्नाव पुलिस जीप में डाल करके ले गई आनन फानन में, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। परिवार को ही धमकाया जा रहा है, परिवार को ही समझाया जा रहा है। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना ना बना दे। वैसे हर घटना के बाद सियासत तो आम बात है, लेकिन जिन दो लड़कियों की जान गई और कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इंतजार है तो उस तीसरी लड़की का, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसके बयान से कई राज खुलेंगे और सच्चाई सामने आएगी। अश्विनी अवस्थी, जनतंत्र टीवी, उन्नाव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।